गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरपीएस ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्ट चैप्टर 12। द चैप्टर नेम इज आवर हाउस। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 12। चैप्टर का क्या नाम है? आवर हाउस। प्रीवियस वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ हाउस आप लोगों को पढ़ाया था कि कितने टाइप्स के हाउस होते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो हाउस सिटी और टाउन में पाया जाता है वो किस टाइप किस प्रकार बने होते हैं या वो कैसे होते हैं, उसके अलावा हिली एरिया में जो हाउस पाया जाता है, टाउन में अधिकांशतः फ्लैट या बंगलो बनाया जाता है, हिली एरिया में जैसे हुआ नैनीताल, मैसूरी और मनाली सब में जो हाउस बनता है उसके जो रूफ होते हैं वो कैसे होते हैं? स्लोपिंग रूफ होते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश के साथ साथ स्नो की भी बारिश होती है, जिसके कारण वहाँ का रूफ जो बनाया जाता है स्लोप बना ढलाव बनाया जाता है, उसमें वो ज्यादा देर तक ठहर न सके, वो स्लोप वो फिसल के नीचे गिर जाए। इसके अलावा जो हॉट प्लेस जैसे राजस्थान, वहाँ का जो घर बनाने का तरीका है वो उससे क्या है, डिफरेंट है। वहाँ के जो घर है वो क्या है, उनका जो दीवार होता है वो क्या है, ठीक वो बहुत मोटा होता है, और जो दीवार बनाया जाता है वो मट से बनाया जाता कि बाहर की गर्मी अंदर वो आ नहीं सके। इसके अलावा मैंने फ्लोडेड एरिया का घर आप लोग को हाउस के बारे में मैंने पढ़ाया था, जैसे असम हुआ या चेरापूंजी, वहाँ का जो हाउस है वो किस टाइप से, वहाँ पर अधिकांशतः जो हाउस है वो बैम्बो के सहारे से बनाया जाता है, चारों बगल से बैम्बो लगा के तब घर पर बनाया जाता है ताकि पानी उस घर में ज्यादा ना आ सके। और इसके साथ साथ वो लोग जब भी घर में आते हैं उसके पहले वो सीढ़ी लगा देते हैं, और सीढ़ी लगाने के बाद उसके सहारे वो घर पे चढ़ते हैं, और जब वो रात हो जाती है उस सीढ़ी को वो हटा देते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि विलेज में किस टाइप के घर होते हैं, हाउस होते हैं। जो विलेज के हाउस होते हैं वो स्ट्रा, ग्रास, बैम्बो और काउ डंग से बने होते हैं, है ना। वो लोग ये सब से बना यूज घर को ही यूज करते हैं। तो ये तो आपने पिछले वीडियो पर, आज क्या पढ़ा, अनयूजुअल हाउस के बारे में। अनयूजुअल हाउस में भी मैंने टेंट के बारे में आप लोगों को बताया, टेंट जो है वो किस टाइप्स के ये पीपल यूज करते हैं, जैसे टूरिस्ट हुआ, जो आर्मी हुआ वो गए, उनको कुछ देर ठहरना हुआ, ट्रेवलर है वो कहीं गए और टेंट का ही घर वो बनाए, एक दिन ठहरना हो या दो दिन ठहरना। इसके अलावा सबसे ज्यादा टेंट का यूज कौन करता है, नोमैड्स करते हैं। नोमैड जिसे हम घुमक्कड़ जाति भी कहते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जितना दिन उनको वहां पर कुछ वर्क रहता है या कुछ काम करते हैं कि वो अपना टेंट उखाड़ के अपना सारा सामान लेके वो दूसरे जगह चले जाते हैं। तो ये एक अनयूजुअल हाउस हुआ। इसके अलावा आज अनयूजुअल हाउस में आप लोग को पढ़ना है हाउस सच हाउस आर मेड ऑफ वुड एंड फ्लोट इन द वाटर। जो हाउस बोट है अधिकांशतः आप देखें कश्मीर में है ना, झील में ये बनाया जाता है, क्यों, टूरिस्ट के लिए, ताकि टूरिस्ट उसमें क्या करे, घूम सके। तो इस टाइप के हाउस क्या होते हैं, वो लकड़ी के बने होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी में तैरते हैं। दीज आर यूज फॉर टूरिस्ट सके। उसके बाद थर्ड क्या अनयूजुअल हाउस है, सच हाउस आर बिल्ट ऑन व्हील कारावान, जैसे आप लोग बैलगाड़ी देखते हैं ना, है ना, तो उसमें क्या लगा था, पहिया रहता था, वो उसी टाइप के गाड़ी में वो क्या घर बना रहता है। तो सच हाउस आर बिल्ट ऑन व्हील, ये चक्के से बने होते हैं, पहिए से बने होते हैं, हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूज सच हाउस टू लिव। उसी ये में क्या कहते हैं, हाउस में वो लोग रहते हैं और एक जगह से दूसरे जगह वो उस घर को लेके घूमते हैं, मैंने लेके जाते हैं। सच हाउस आर बिल्ट ऑन व्हील, पीपल वी कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूज सच हाउस टू लिव। तो कारावान
भी क्या है, एक अनयूजुअल हाउस है। इसके अलावा क्या है अनयूजुअल हाउस में, इग्लो। तो सम प्लेसेस विच आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, कुछ प्लेस ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ साल भर क्या रहता है, बर्फ रहता है ना। तो उस टाइप के जगह पे दिस प्लेस इग्लो आर ब्यूट बाय स्कीमो टूलिप। तो उस टाइप के प्लेस में क्या बनाता है, बनाया जाता है इग्लो बनाया जाता है। उस इग्लो को कौन बनाते हैं, स्कीमो बनाते हैं। स्कीमो में वहां के प्रजाति होते हैं जो ये इग्लो बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक टाइप्स ऑफ हाउस हुआ। अब हम लोग घर को कैसे क्लीन कर सकते, कीपिंग द हाउस क्लीन, कैसे अपने घर के या उसके सराउंडिंग को हम लोग क्लीन रख सकते हैं। तो सबसे पहले कीपिंग द हाउस क्लीन, गार्बेज शुड बी थ्रोन ऑन द डस्टबिन एंड नॉट अराउंड द हाउस एनीवेयर। घर का जो भी कचरा है ना, जो भी गार्बेज है, हम लोग को क्या चीज में डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए, न कि घर के अगल बगल हम लोग को उसको फेंक देना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, डस्टबिन शुड बी कवर्ड, जिसमें हम कचरा रखते हैं वो डस्टबिन क्या होना चाहिए, कवर्ड, ढका हुआ रहना चाहिए, सो दैट इट डज नॉट अट्रैक्ट फ्लाई एंड अदर इंसेक्ट। क्यों, क्योंकि अगर खुला रहेगा उसमें स्मेल भी आएगा, या फिर उसमें क्या है, फ्लाई, मक्खी या किसी प्रकार का कीड़ा क्या उस पर लगेगा। इसीलिए हम लोग को डस्टबिन को क्या करना चाहिए, हमें से ढक के रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी, तब तक आप इसको अच्छे से रीड कर लोगे। ओके, थैंक यू।